और अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। तो आप देख सकते हैं काफी कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन है, 441 पावर 1 बाई 2 इंटू 207 इंटू 343 पावर 1 बाई 3, राइट। और ये तीनों टर्म्स मिलाकर एक सिंगल टर्म बनेगा, राइट। इनके आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर, राइट, ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए तीनों टर्म्स, तो ये एक ही सिंगल टर्म माना जाएगा। डिवाइडेड बाई दूसरा ब्रैकेट है 14 स्क्वायर इंटू 529 पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। बस अब हमें बॉर्डमास रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंस यही है कि इस बार आप देखेंगे काफी फ्रैक्शनल पावर्स हमें दिए गए, राइट, पावर 1 बाई 2, पावर 1 बाई 3 एंड सो ऑन। तो जैसे कि हम बॉर्डमास रूल में देख चुके हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर अगर आप देखें बेसिकली दो ब्रैकेटेड पार्ट्स हैं, ये है फर्स्ट पार्ट एंड ये है सेकंड पार्ट, तो इन दोनों को पहले इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर इन दोनों के बीच में जो डिविजन है उसे हमें परफॉर्म करना है। तो देख लेते हैं फ्रैक्शनल पावर्स की वैल्यूज क्या होगी। 441 पावर 1 बाई 2, अब अगर आप देखिए पावर 1 बाई 2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट, राइट, पावर 1 बाई 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 21, राइट। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो डेफिनेटली आपको याद होगी, राइट, 1 से 30 तक के स्क्वायर हमें परफेक्टली याद करने हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 हो जाएगा 21 इंटू 207, तो है ही डायरेक्टली 343 पावर 1 बाई 3, पावर 1 बाई 3 यानी क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ऑफ 343 कितना होगा, 7, क्योंकि 7 क्यूब होता है 343, सो क्यूब रूट ऑफ 343 7 होगा। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें 14 स्क्वायर 196, तो ये हो गया 196 इंटू 529 पावर 1 बाई 2, 529 पावर 1 बाई 2 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 529 जो है 23, राइट, 23 स्क्वायर होता है 529, सो ये हो गया 23। तो ओवरऑल अगर आप देखें क्वेश्चन है 21 इंटू 207 इंटू 7 डिवाइड बाई 196 इंटू 23। ध्यान रहे जब भी आप सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हो इस टाइप के केसेस में आप इंडिविजुअली अपने ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई ना करें, यानी कंप्लीट कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन टर्म्स हो जिन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप 21 इंटू 207 इंटू 7 कंप्लीट कैलकुलेशन करें जिसमें काफी टाइम लगेगा एंड देन 196 इंटू 23 में भी कुछ टाइम हमें स्पेंड करना होगा और उसके बाद आपको कैसे भी डिवाइड करना ही है, तो बेटर यही होगा कि इतना सब करने की जगह हम पहले जो भी कॉमन टर्म्स हैं उन्हें कैंसिल कर दें। तो इसे अगर आप देखें कुछ ऐसा अपीयर होगा 21 इंटू 207 इंटू 7, यह है फर्स्ट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 196 इंटू 23, 196 इंटू 23 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। बस इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे अगर आप कंपेयर करें एग्जाम्पल 9 जैसा ही है, राइट, देखने में एग्जाम्पल 9 जैसा ही है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड नहीं करेंगे, पहले कॉमन टर्म्स जो भी है कैंसिल कर लेने हैं। तो अगर देखा जाए 23 इंटू 9 207 होता है, 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 9 207, सो डायरेक्टली ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। पहले अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 21 को 207 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इस बार 21 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर 196 को 23 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये देखिए 196 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे हम कॉमन टर्म्स कैंसिल करके सिंप्लीफिकेशन को और भी इजी बना सकते हैं। अब और भी कुछ कॉमन हो सकता है, अगर आप देखें 196 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 7 से डेफिनेटली डिवाइड किया जा सकेगा, क्योंकि 196 14 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर 7 से तो डिवाइड हो गए, राइट। तो देखें 7 196 में कितने टाइम जाएगा, 20 प्लस 8 28 टाइम्स, तो ये 7 इंटू 1 एंड 7 इंटू 28, राइट, 140 प्लस 56 यानी 20 प्लस 8 28। एंड और भी कैंसिलेशन हो सकते हैं, इसे हम 7 इंटू 3 ले सकते हैं और ये होगा 7 इंटू 4। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 4। अब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, यानी हम कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ओवरऑल न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इंटू 9 कितना होगा, 27, 27 बाई 4 एंड 27 बाई 4 की वैल्यू होगी 6.75 जो है ऑप्शन 2, राइट। सी बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखें 27 जो बेसिक रेंज का आप कैलकुलेशन करें 27 24 एंड 28 के बीच में है, 27 24 एंड 28 के बीच में, राइट, यू वैल्यू 27 हमें दी गई है। अब 24 बाई 4 होगा 6, 28 बाई 4 होगा 7, सो डेफिनेटली 27 बाई 4 6 एंड 7 के बीच में रहेगा। तो आप अगर चाहें ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 6 एंड 7 के बीच में होनी चाहिए, 6.75 6.25 6.5 पॉसिबल, लेकिन क्योंकि आप स्मार्ट मेथड ऑलरेडी जानते हैं आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली 27 को अगर प्रॉपरली स्प्लिट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे।
क्या करेंगे हम 27 को 24 प्लस 3 ले सकते हैं, 24 प्लस 3, अब 24 बाई 4 हो जाएगा 6, 3 बाई 4 0.75, 6 प्लस 0.75 6.75. अगर आप ये नहीं जानते हो तब शायद आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस रेंज फाइंड आउट करके, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि तीन ऑप्शंस पॉसिबल है, 6.75, 6.25, 6.5. आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सी, अगर आप कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, 27 28 से क्लोजर है, 27 28 से क्लोजर है, अगर 24 और 28 दोनों से कंपेयर किया जाए 27 इज क्लोजर टू 28. अब क्योंकि 27 28 से क्लोजर है आंसर भी 7 से क्लोजर होना चाहिए. अगर आप देखें 6.25 एंड 6.75 में कौन सी वैल्यू 7 के क्लोजर है, 6.75. यानी ये आंसर पॉसिबल हो सकता है लेकिन 6.25 डेफिनेटली रॉन्ग आंसर होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. सिमिलरली 6.5 एंड 6.75 अगर आप देखें, 6.5 नहीं हो सकता, अगर 6.5 होना था यानी एग्जैक्टली 6 एंड 7 के बीच में आना हो तो एग्जैक्टली 24 एंड 28 के बीच में होना होगा. 24 एंड 28 के बीच में क्या आएगा, 26, ये 27, यानी एग्जैक्टली 6.5 से ज्यादा होगा आंसर. 6.5 भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 6.75. लेकिन जैसे मैंने बताया आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा अगर आप जानते हैं डिविजन्स स्मार्ट मेथड से करना, राइट. 27 को हम 24 प्लस 3 लेंगे या फिर 28 माइनस 1 भी ले सकते हैं, राइट. 27 को 28 माइनस 1 भी कंसिडर किया जा सकता है. 28 बाई 4 7 माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 4 होता है 0.25, माइनस 1 बाई 4 माइनस 0.25. सो 27 माइनस 7 माइनस 0.25 6.75 जो है ऑप्शन. तो बस आपको यही देखना है कि इन केसेस में कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन ना करें, राइट. अगर मल्टीप्लिकेशन के भी फॉर्म्स बचे हो तो उन्हें एज इट इज लिखकर जो भी कॉमन पार्ट्स है पहले वो कैंसिल करें. हाँ, अगर बीच में कुछ एडिशंस होते तब शायद हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, या डिविजन्स अगर होते तब हम कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो कॉमन टर्म्स कैंसिल किए जा सकते हैं. तो ऐसे ही आपको बस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं.